नजर से मिलाई मजा आ गया। वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप लवर्स एंजल। एंड टुडे फाइनली मैं ये मेकअप लुक करने वाली हूँ। ये लुक आप सब ने मेरे लाइव वीडियो में देखा था, तब आपने बोला था कि ये पार्टी के लिए अच्छा है एंड आप सब देखना चाहते हो कि ये मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो दिस इज वेरी सिंपल मेकअप लुक एंड इसे बस थोड़ा सा और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने ये इयररिंग पहना है। लाइक मैं तो नहीं पहनने वाली थी बट मेरी बुआ ने मुझे फोर्स किया कि पहनो पहनो अच्छा लगेगा एंड ऑल दैट। सो अभी भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, बट आप सब मुझे बताओ कि ये इयररिंग कैसा लग रहा है। इयररिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है बट मुझ पर कैसा लग रहा है। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को क्लिक कर देना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं आप सब तक पहुंच जाए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने ऑलरेडी अपना बेस कर लिया है। अगर आपको जानना हो कि मैंने ये बेस कैसा किया है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप लोग देख लेना। मैं करूंगी अपने आईज को थोड़ा सा कंसील एंड कंटूर। मैं आज यूज करने वाली हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर, दिस इज इन द शेड 10 लाइट। इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। सो करंटली आई एम लविंग दिस कंसीलर, इट हैज रियली नाइस फिनिश एंड इट रियली ब्लेंड्स ब्यूटीफुली। कंटूरिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, दिस इज इन द शेड 40 कैरमल। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक दिस शेड फॉर माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट्स अ लिटिल ऑरेंज। कंसीलर को सेट करूंगी क्वीन कलेक्शन पाउडर पैक से, दिस इज फ्रॉम मिनीसो। एंड अगर आप मुझे थोड़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो यू नो आई लव दिस कॉम्पैक्ट सो मच बिकॉज इट हैज अ ब्यूटीफुल कवरेज टू इट। सो उसके पफ से मैं इसे अप्लाई कर लूंगी एंड यू कैन सी हाउ ब्राइटनिंग इट इज। नेक्स्ट अब मैं करूंगी कॉन्टोरिंग, उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ सिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, दिस इज हाउ इट लुक्स, दिस इज इन द नंबर 01। और मैं ये वाला ब्लश अप्लाई करूंगी, इट्स अ वेरी प्रिटी पिंकिश ऑरेंजी कलर। सो सबसे पहले मैं फिल करूंगी अपने आईब्रोज, उसके लिए एज यूजुअल मैं उसाज आईब्रो पाउडर यूज करूंगी, आई रियली लाइक दिस पाउडर। मुझे एक्चुअली कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज माई कैमरा इज टू फार एंड दिस ब्रश इज सो स्मॉल। नेक्स्ट अब हम करेंगे आई शेडो, आई एम श्योर आप सब इसके लिए रुके होंगे। सो मैं ये वाला जो ब्राउन कलर है उसे ही अपने क्रीज पर लगा लूंगी। ऐसे ही बस एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूंगी ताकि सब कुछ एकदम सीमलेस हो जाए। इसके बाद जो ये वाला शेड है मैं उसे अपने लिड पर लगा लूंगी। फिर इसके ऊपर मैंने मिस क्लेयर का बॉर्न टू ग्लो इल्यूमिनेटर मेकअप बेस इन द शेड 01 सनबीम लगाया था। सो मैं आपको दिखाती हूँ, इसीलिए आप लोग को ज्यादा ग्लिटरी और अच्छा लग रहा होगा। बस इसे थोड़ा सा अपने हाथ पर लेकर
फिर मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा। Can you see the difference? So आप इसको लगाने के बाद एकदम ड्राई होने दे, अदरवाइज ये क्रीज कर देगा। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी आई लाइनर। सो दिस इज फ्रॉम मैटलो क्लैशेज आई लाइनर। लगाऊंगी प्योर पैशन इंटेंस काजल फ्रॉम स्टूडियो वेयर। सेम ब्राउन कलर अपने लोअर लैश लाइन पर लगा लूंगी। अब इस मेकअप लुक को फिनिश करने के लिए मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। सो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ शुगर का मैट हेल लिप क्रेयॉन एंड दिस इज इन द शेड 10 चेरी डार्लिंग। आई स्वेयर बाय दिस लिपस्टिक गाइस। सो आई होप आप सबको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा एंड आप सबको बहुत इजी भी लगा होगा बिकॉज इट्स रियली सिंपल मेकअप लुक। एंड जैसे आप पार्टी वेयर या फिर कोई वेडिंग पार्टी में जा रहे हो तो तभी भी पहन सकते हो। इट विल रियली लुक वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो यू नो हाउ माई ड्रिल वर्क्स। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू टुमॉरो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। बाय।